हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ। मेरा नाम है संदीप गुप्ता। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की क्लास में सभी लोगों का स्वागत है। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्या होता है और क्या 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 डिफरेंस है आर्टिस्टिक ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर। और कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे ड्राइंग बोर्ड, ड्राफ्टिंग टेबल वगैरह। और भी बहुत ही सारे इक्विपमेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप ड्राइंग बना रहे होंगे। तो यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट हैं, इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट लिख देते हैं, इम्पोर्टेंट फॉर ईडी, ठीक है, और ईडी या ईजी जो भी हेडिंग हो, ठीक है। तो इसमें हम लोग, और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका ये मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर, मिनी ड्राफ्टर कह सकते हो या ड्राफ्टिंग मशीन कह सकते हो, ड्राफ्टिंग मशीन, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग मशीन या मिनी ड्राफ्टर, ये होता क्या है, इससे हम लोग क्या है, एक स्केल ही है एक तरीके से ये, लेकिन इससे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस हम इससे बना सकते हैं। हम इससे पर पैरेलल लाइन खींचनी हो, परपेंडिकुलर लाइन यानी समानांतर रेखाएं आपको बनानी हो, या आपका लंबवत रेखाएं आपको खींचनी हो, सीधी सीधी रेखाएं आपको इससे खींचनी हो, तो सारे काम इसी से हो जाते हैं। तो ये एक्चुअली यूज़ क्यों करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर, इसको हम, ये कैसा बना होता है, यहाँ पर एक बीच में इसके क्या होता है, स्केल लगा होता है इस तरीके से। मेरे पास है नहीं अभी, नहीं तो मैं आपको ये मेरी ड्राफ्टर ही दिखाता। ये कुछ इस तरीके का स्केल होता है यहाँ पर स्केल, और यहाँ पर इसका क्या होता है, हैंडल लगा होता है इस तरीके से, स्ट्रिप सी होती है ये, थ्रू आउट द स्केल ऐसे लगी होती है। इस वाले कब्जे को क्या करते हैं, हम टेबल के एक लेफ्ट हैंड साइड वाले कॉर्नर पर लगा देते हैं। यहाँ स्केल है, ये स्केल है, मैं इसको पहले स्केल के बारे में बता देता हूँ, ये हैंडल पहले, बाद में बात करेंगे इसकी, ठीक है। तो पहले स्केल के बारे में बात कर लेते हैं। स्केल होता, इसमें स्केल जो लगा होता है उसका क्या काम होता है, ये कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर डायमेंशन होंगी ऐसे, ठीक है, इस तरीके से ऐसे, यहाँ पर इधर साइड भी ऐसी होंगी, और यहाँ पर भी आपका क्या होता है, कोण बने होते हैं, कोण बने होते हैं, ठीक है, 90 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरीके से यहाँ पर बने होंगे। ये क्या होता है, एक तरीके से सर्कुलर प्रोटेक्टर है। प्रोटेक्टर जैसे चांदा होता है ना, चांदा क्या होता है आपका, डी, जिससे आप कोण बनाते हैं, वो क्या होता है आपका, सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर होता है। और ये क्या होता है, सर्कुलर प्रोटेक्टर रहता है, इस पे 360 डिग्री के कोण तक बने होते हैं, जैसे 1 डिग्री हो गया आपका, 2 डिग्री, मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसमें तो मेनली वैसे 1 डिग्री तक का भी कर सकते हैं, और मैक्सिमम 360 डिग्री तक हम कोण बना सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जो मैंने अभी बताया था आपको, ऐसे पट्टी सी ऐसे लगी होती है इसमें, ठीक है, यहाँ पर इससे कनेक्टेड होती है, और उसको यहाँ पर टेबल पर हम फिक्स कर देते हैं। और टेबल पर फिक्स करके इसको क्या करते हैं, पूरी शीट पर कहीं भी इसको रोटेट करा सकते हैं। जैसे सपोज ये सीट है, पूरा आपका जो बोर्ड है शीट है, और मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया है ड्राफ्टर को, तो मैं जहाँ भी इस पूरी शीट पर कहीं भी अगर मुझे लाइन खींचनी हो, या मुझे कोई एंगल बनाना हो, कोई समानांतर रेखा खींचनी हो, ठीक है, कोई लंबवत रेखा खींचनी हो,
तो इसको पूरी शीट पर रोटेट करने के बाद, इसको रोटेट करके हम लोग वहां पर कहीं भी पूरी शीट के ऊपर कहीं भी लाइन खींच सकते हैं, एंगल बना सकते हैं, कोई समानांतर रेखा खींच सकते हैं इसकी हेल्प से। तो ये तीनों चीज का काम करेगा, स्केल का भी करेगा और प्रोटेक्टर का भी करेगा, दोनों चीजों का मतलब काम करेगा ये। और जो सेट स्क्वायर होते हैं, एक सेट स्क्वायर होते हैं ना जिनसे हम समानांतर रेखाएं खींचते हैं, तो उनका भी काम ये मिनी ड्राफ्टर कर देगा। लेकिन इसका यूज इतना आसान नहीं होता। इसका यूज आसान से मतलब ये नहीं कि आसान है, नहीं है तो, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए, इसको चलाने के लिए। तो जब आप इसका यूज करें, थोड़ा सा एग्जाम्स में बैठने से पहले कुछ इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि ये बहुत इक्विपमेंट है। आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, बार बार आपको स्केल नहीं उठाना पड़ेगा, बार बार आपको प्रोट्रैक्टर नहीं लेना पड़ेगा, चांदा या ये नहीं लेना पड़ेगा एंगल वगैरह बनाने के लिए। तो क्या मिनी ड्राफ्टर किस लिए यूज होता है? इसलिए यूज होता है, इसका यूज क्या करते हैं हम, इसका प्रयोग समानांतर लंबवत रेखाएं तथा कोण बनाने के लिए। किया जाता है। और क्या कर सकते हैं इससे हम, और इसको इसकी मदद से क्या करते हैं, इसकी हेल्प से पूरी सीट पर कहीं भी रेखा या कोण बना सकते हैं। तो अगर इसका यूज आपको अच्छे से आ गया तो क्या होगा, आपका काम जो है बहुत हद तक आसान हो जाएगा, क्योंकि बार बार स्केल का यूज करने से क्या होगा, टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, लिमिटेड टाइम रहता है। 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा, इस बार भी 3 घंटे का ही रहने वाला है, लेकिन आपका सिलेबस बहुत रिड्यूस हो गया है और थोड़ा सा चेंज भी है, बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं है, थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, बहुत आसान हो गया आपके लिए। अगर पहले वाले इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें तो इसके मुकाबले थोड़ा सा हार्ड था, टफ था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट इक्विपमेंट क्या है, इसके अलावा हम और क्या यूज़ कर सकते हैं, स्केल, स्केल्स या रूल कह सकते हो आप, 5 नंबर रूलर बोल सकते हो, रूल या स्टील रूल बोल सकते हो, या आपका स्केल बोल सकते हो। ठीक है, स्केल, स्केल कैसे होता है, देखो कुछ इस तरीके का होगा आपका स्केल, ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा स्केल। इससे क्या कर सकते हैं हम, लंबाई में कोई भी रेखाएं इससे खींच सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम कितनी, 1 mm से लेकर के, यहाँ इसकी डायमेंशन बनी है 1 mm से लेकर के, और ये 17 तक लिखा है यहाँ, जहाँ तक 15 तक आता है। ठीक है, जो आपका स्केल होता है 15 सेंटीमीटर तक। ठीक है, ऐसे स्केल आते हैं, और फिर उसके पहले 6 इंच का आता है, फिर 12 इंच का होता है, और फिर आपका ऐसे स्केल होते हैं, फिर एक फोल्डिंग रूल भी आता है, इंची टेप्स आते हैं, लेकिन आपके पास, आपके लिए यही सिंपल वाला ये आपके काम का है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूल, इसमें तो बताने की जरूरत कुछ है नहीं, स्केल सिंपल लाइन खींचने के लिए आपका यूज होता है। एक होता है आपका सेट स्क्वायर, बच्चों सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर किस लिए यूज होते हैं, ये भी आपके देखो ये होते हैं, ये सेट स्क्वायर है, एक ये होगा, एक ये होता है, इस तरीके के आपने देखे होंगे ज्योमेट्री बॉक्स में सबके होंगे ये, लेकिन आज तक इसका यूज नहीं पता होगा बहुत सारे बच्चों को, है ठीक है। एक ये होता है और एक ये वाला होता है छोटा, तो
क्या करते हैं इनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये सेट स्क्वायर्स हैं, सेट स्क्वायर्स, इनकी मदद से क्या करते हैं हम पैरेलल रेखाएं खींचते हैं, लंबवत रेखाएं, सॉरी समानांतर रेखाएं खींचते हैं। इनकी हेल्प से क्या करते हैं, इनकी हेल्प से समानांतर रेखाएं, रेखाएं बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये, क्या है दोनों सेट स्क्वायर को एक के ऊपर ऐसे रख लेते हैं सटा करके, और सपोज मेरा एक ये पॉइंट है यहाँ पर, और मुझे यहाँ पर इसके इस वाले पॉइंट से मुझे समानांतर रेखा खींचनी है, तो हम दोनों सेट स्क्वायर को ऐसे सटा के रखते हैं और स्लाइड करते हुए ऐसे करते हुए ले जाते हैं। थोड़ा सा टिपिकल है यहाँ पर समझाना इस चीज़ को, लेकिन ये समानांतर रेखाएं खींचने के लिए बच्चों होता है। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, तो आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। और क्या होते हैं बेटा इक्विपमेंट्स, इनको मैं हटा देता हूँ यहाँ। नेक्स्ट होते हैं आपकी पेंसिल्स, पेंसिल्स ये आपका हो गया 7 नंबर, आई थिंक 7 नंबर। पेंसिल, पेंसिल भी डिफरेंट टाइप्स की पेंसिल होती है। देखो एक आपने सिंपल जो अभी तक आप पेंसिल यूज करते हो ड्राइंग बनाने के लिए, सिंपली आर्टिस्टिक ड्राइंग वगैरह बनाने के लिए जो आपने अभी तक यूज किए लिखने भीने के लिए, वो HB की पेंसिल होती है। ठीक है, वो कौन सी होती है, HB की पेंसिल होती है, H फॉर हार्डनेस और B फॉर ब्राइटनेस। क्या होती है, H फॉर हार्डनेस, B फॉर ब्राइटनेस, यानी कि जितना B मल्टीपल होता चला जाएगा। ये तो सिंपल पेंसिल है, जनरली ज्योमेट्री बॉक्स में सबके मिलती ही है लिखने के लिए या किसी चीज के लिए। ठीक है, इनके अलावा और कौन सी पेंसिल होती हैं, अगर मैं हार्ड पेंसिल्स की बात करूं, हार्ड पेंसिल्स की, तो कौन कौन सी होती हैं, एक तो हो गया 2H, 4H, 6H, इस तरीके से। तो ध्यान रखना जो हार्ड वाली, हार्ड से मतलब यहाँ पर है तो डार्क चलेंगी, हार्ड से मतलब ये नहीं है कि उसकी जो निब है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, हार्ड से मतलब है वो डार्क चलेंगी। ठीक है, और जो ब्राइट वाली जो पेंसिल है वो ब्राइटनेस वाली जो जितनी भी पेंसिल होंगी वो थोड़ी लाइट होंगी। तो जब हमें आउटलाइन वगैरह बनानी हो किसी चीज़ की, आउटलाइन वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, आउटलाइन या फाइनल शेप देने के लिए, तो हम किन पेंसिल्स का यूज़ करेंगे, 2H का यूज़ करेंगे, सॉरी ये H वाली पेंसिल्स का यूज़ करेंगे। तो जनरली 4H वाली पेंसिल सही रहती है, मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ। आपके जो टीचर आपको बताएं 2H या 4H, जो भी पेंसिल हो, एक पेंसिल आपके लिए पास होनी चाहिए इनमें से। और एक होती है ब्राइटनेस वाली, ब्राइटनेस वाली कैसे चलती हैं, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, ठीक है। तो ध्यान रखना जो मार्केट में अवेलेबल होंगी वो 2K मल्टीप्लस पल से चलेंगी जो हार्ड वाली है, यानी कि 2, 4, 6 ऐसे, और ये वाली क्या होंगी, ये सिंपल ऐसे चलेंगी 2B, 3B, 4B, 5B, यानी कि एक ऐड करते हुए जा रहे हैं। तो ब्राइट वाली पेंसिल्स जनरली हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, ड्राइंग बनाने के लिए। ये लोग ये वाली जो पेंसिल हैं ये ड्राइंग बनाने के लिए, फॉर ड्राइंग प्रिपरेशन या ड्राइंग ठीक है, ड्राइंग प्रिपेयर कर रहे हो तो हम इनका यूज करेंगे। तो 2B की पेंसिल आपके लिए सही है, 2B रखना चाहो, 3B रख लो, आपकी मर्जी है। लेकिन जो हार्ड वाली होती है, एक हार्ड 2H या 4H में से जो भी आपके टीचर आपको बताएं वो आप एक पेंसिल ले लीजिएगा। ठीक है,
तो ये इक्विपमेंट होते हैं बच्चों। एक सेकंड में, एक सेकंड का टाइम लूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब मैं बात करूं नेक्स्ट और क्या इक्विपमेंट हो सकता है। एट्थ नंबर पे हमारा पेंसिल के बाद कंपास। ठीक है, तो कंपास क्या हो गया आपका, कंपास आप जानते होंगे, वो प्रकार जिसको बोलते हैं आप सिंपल लैंग्वेज में, अगर मैं बात करूं प्रकार, इसमें एक साइड पेंसिल लगा देते हैं और दूसरी साइड से उसकी पिन होती है, उसके लिए हम किस लिए यूज करते हैं उसका, हम सर्कल वगैरह बनाने के लिए, सर्कल या आर्क लगाने के लिए, सर्कल या आर्क। आर्क मतलब चाप, चाप कहते हैं ना चाप, यूपी बोर्ड वाले या हिंदी मीडियम वाले बच्चे चाप। ठीक है, और सर्कल यानी वृत्त वगैरह जो बनाने के लिए, आर्क बनाने के लिए, सर्कल या आर्क बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसका यूज करते हैं हम सर्कल वगैरह बनाने। एक होता है बच्चों डिवाइडर, नेक्स्ट होता है आपका डिवाइडर। डिवाइडर क्या होता है, ये भी प्रकार के, जिस जिस जो प्रकार होता है जिसमें दोनों साइड पिन होती हैं, जिसमें दोनों साइड पिन होती हैं, ऐसा होता है ना, यहाँ पर मैं बना के दिखाऊं तो एक यहाँ पिन होगी इसमें, यहाँ पर इस तरीके का जो प्रकार होता है। ठीक है, ये होता है डिवाइडर। क्या है ये डिवाइडर? डिवाइडर से क्या करते हैं हम लोग जनरली, जहां पर हमें सर्कल बनाने के लिए यूज होता है, लेकिन कहाँ पर, जहां पर हमारा ये कंपास यूज ना कर सके हम, या पेंसिल जहां पर विजिबल ना हो, वहां पर हम इस किसका यूज करते हैं, डिवाइडर का यूज करते हैं। जैसे लकड़ी पर कुछ बनाना हो, ड्रॉ करना हो, ठीक है, इस तरह की चीजें, तो ये आपका डिवाइडर हो गया। और भी क्या हो सकते हैं और इक्विपमेंट बच्चों इसके अलावा, ये तो इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा और भी क्या हो सकते हैं, इरेजर वगैरह, सेलो टेप, ये छोटे छोटे से इक्विपमेंट हैं। इरेजर, इरेजर यानी आपकी जो रबड़ होती है, क्या हो जाएगी आपकी इरेजर। टेंथ, इरेजर रबड़, क्या अब इसमें क्या ही बताएं, रबड़ थोड़ा इरेज करने के लिए, रबड़ हो गया। और शॉर्पनर वगैरह, शॉर्पनर, शार्पनर जिसको बोलते हैं, ठीक है। और फिर क्या हो, इसके अलावा सेलो टेप, सेलो टेप, सेलो टेप या आपका वो होती है क्लिप्स, क्लिप्स, ठीक है, क्लिप्स भी यूज कर सकते हैं सेलो टेप की जगह पर, लेकिन बेटर यही है सेलो टेप आप ले लो, सेलो टेप ज़्यादा अच्छी सी होती है। ज़्यादा अच्छी इसलिए क्योंकि कई टेबल्स ऐसी होती हैं वहाँ पर आपका जो जो क्लिप्स हैं वो वर्क नहीं करती, तो वहाँ पर हम लोग इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो मैंने बताया था प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको एग्जैक्टली, एक मिनट बच्चों, कोण मापने वाला होता है ना, जिससे कोण मापते हैं, चांदा या सर, दो तरीके का होता है, या दो तरीके का होता है, एक होता है सर्कुलर प्रोटेक्टर और दूसरा होता है बच्चा सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। सेमी सर्कुलर वाला आपको सबने देखा होगा, ऐसे चांदा टाइप होता है ये, ठीक है, यहाँ पर आपके एंगल बने होते हैं 10, 20, 30 इस तरीके से, 90,
ये आपने देखा होगा। और अगर हम इसमें इसको सर्कल कर दूं, पूरा सर्कुलर प्रोट्रैक्टर हो जाएगा ऐसे। तो ये इससे जो सेमी सर्कुलर होता है, इससे 180 डिग्री तक हम लोग कोण को मेजर कर सकते हैं सेमी सर्कुलर से। और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, 360 डिग्री तक मेजर कर सकते हैं। ये सर्कुलर वाला आपका मिनी ड्राफ्टर पर भी लगा होता है, मैंने दिखाया था ना अभी। तो सेमी सर्कुलर वाला जो चांदा, जिसको डी बोलते हो आप, सीधी सीधी जो लैंग्वेज देसी भाषा में हम बात करें, और ये जो सर्कुलर प्रोटेक्टर होता है, ये आपका 360 अंश तक के कोण हम इससे बना सकते हैं। इसके अलावा और क्या यूज हो सकते हैं, टी स्क्वायर होता है, एक होता है टी स्क्वायर, बच्चों एक इक्विपमेंट होता है टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर क्या होता है, ये सिंपल ऐसा बना होता है, ये ऐसी शेप होती है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर पिन लगी होंगी, ये किस लिए यूज करते हैं, ये हम लोग समानांतर रेखा के लिए खींच के करते हैं। मतलब जैसे समानांतर रेखा खींचनी हो हमने, एक ये होगा इसमें, मैं क्या बताऊँ आपको, ये थोड़ा ये वाला जो हिस्सा होता है, ये क्यूबिक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, हैंडल जो होता है इसका, और यहाँ पर बीच में ये ब्लेड सा होता है। जहां भी हमको लाइन खींचनी हो, मैं कोई एक मिनट, मेरे पास कोई होगा तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज जैसे ये है, ये है, और तो मैंने इसको यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ये ब्लेड है आपका, समानांतर रेखा खींचनी हो तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, मैं इसको ऐसे सटा दूंगा, जिस जिस भी शीट पर मुझे वो बनानी हो लाइन समानांतर रेखा। तो एक लाइन इसके नीचे हो गई ऐसे सीधे, और दूसरी लाइन इसके ऊपर ऐसे सीधी खींचेगी, दोनों समानांतर होंगी एक दूसरे के, रेखाएं समानांतर रेखाएं खींचने के लिए ये यूज किया जाता है। और जनरली ये आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, ये आपको इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी पड़ेगी। और सेमी सर्कुलर वाला जो है, ये सॉरी सर्कुलर वाला आपके मिनी ड्राफ्टर में ही होता है, तो इसकी भी आपको जरूरत नहीं है, मिनी ड्राफ्टर की कर लोगे तो ये। तो ये जो आपका है सेलो टेप, इसकी जरूरत पड़ेगी, ये भी आपको लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा। पेंसिल्स जो आपके टीचर बताएं वो लेनी है, मिनी ड्राफ्टर जरूर लेना है, ठीक है। ड्राइंग बोर्ड की इतनी आवश्यकता नहीं होती, आपके पास टेबल है तो सभी काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी आपके अगर टीचर बात बताते हैं तो वो बोर्ड आपको लेना पड़ेगा। ये सारे बच्चों इक्विपमेंट होते हैं इम्पोर्टेंट, जिनकी जरूरत आपको पड़ेगी जब आप ड्राइंग बनाएंगे। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं हम ड्राइंग लेआउट की। ड्राइंग लेआउट, ड्राइंग लेआउट से क्या मतलब है कि जब हम ड्राइंग शीट पर ड्राइंग बनाते हैं, तो पूरी शीट पर तो ड्राइंग बनाते नहीं है भाई, पूरी शीट पर कैसे ड्राइंग बनाओगे, कुछ तो मार्जिन भी छोड़ना पड़ेगा, टाइटल ब्लॉक बनाना पड़ेगा, ये सारी चीज उसके लिए जगह छोड़नी पड़ेगी, और फिर जो बचा हुआ हिस्सा होगा उसके ऊपर हमें ड्राइंग बनानी होती है। तो लेआउट का मतलब होता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है ड्राइंग का, जब हम उसके ऊपर ड्राइंग बनाएंगे तो उसकी बात हो रही है ये। तो हम क्या करेंगे इसको समझ लेते हैं, टाइटल ब्लॉक की डायमेंशन में बताऊंगा बाद में, पहले लेआउट समझ लेते हैं। सपोज ये ड्राइंग शीट है आपकी, सपोज ये आपकी ड्राइंग शीट है, ठीक है, ये आपकी ड्राइंग शीट है। तो इस ड्राइंग शीट पर हम सबसे पहले हम क्या छोड़ेंगे, मार्जिन छोड़ेंगे, क्या छोड़ेंगे, मार्जिन। मार्जिन कितना छोड़ते हैं, जनरली जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड क्या है, इस बोर्ड की अभी मुझे इतनी आदत नहीं है, इसलिए हो सकता है बार बार आपको लग रहा होगा कि बार बार मैं
गलतियां कर रहा हूँ इस बोर्ड को यूज करने में, भी कम चलाया है इस बोर्ड को, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों पहले मार्जिन छोड़ते हैं। मार्जिन क्या क्या होता है? इस कॉर्नर से हमें जो स्टैंडर्ड होता है, मैं स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, यहाँ से इस कॉर्नर से ऊपर वाले कॉर्नर, ठीक है, और यहाँ से नहीं, एक मिनट रुक जाओ, जनरली हम क्या करते हैं, तीनों कॉर्नर से 20 20 mm छोड़ते हैं, और यहाँ से ये वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ से 5 mm। तो अलग अलग लेआउट होते हैं, बच्चे कंफ्यूज मत होना। कई बार क्या होता है, कई आपके सर बताएंगे कुछ और, हो सकता है वो बताएं कि चारों तरफ से 10 10 mm छोड़ें, ऐसा भी बता सकते हैं, ठीक है। या कई बार ऐसा भी कुछ टीचर्स बताते हैं कि यहाँ से 20 mm, यहाँ से 5, यहाँ से 5 mm और इधर से 5 mm। तो अगर किसी टीचर ने ऐसा बताया है तो वो भी बेटा सही है, ठीक है, उसमें कोई। तो जनरली जो स्टैंडर्ड वाला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपकी यहाँ पर होता है आपका टाइटल ब्लॉक, ये होता है टाइटल ब्लॉक। सपोज ये मार्जिन है, हमने यहाँ पर टेप लगा दी, ठीक है, और इस वाले हिस्से में हम ड्राइंग बनाते हैं। ड्राइंग, ये ड्राइंग एरिया है, ये आपका टाइटल ब्लॉक है, ये आपका मार्जिन है, यानी यहां से 20, ये भी 20, ये भी 20 mm, और ये भी 20 mm, और ये 5 mm, ठीक है। तो मैंने इसलिए दोनों बताया आपको, एक ये वाला भी बताया 20 20 20, और उधर 5 mm। कई बार देखो कुछ टीचर्स आपको बता सकते हैं कि यहाँ से 20, इधर से 5 mm, इधर से 5 mm, और इधर से भी 5 mm, तो वो भी सही है। और एक चीज ये बता सकते हैं आपको कि यहाँ पर जो है आपका चारों तरफ से 10 10 mm छोड़ दो। तो मैं तो जनरली यही करवा देता हूँ बच्चों से, जब भी मैं क्लास में करवाता हूँ कि चारों तरफ से 10 10 mm आप छोड़ दो, उसके बाद यहाँ पर टाइटल ब्लॉक बनाओ, और उसके बाद यहाँ पर ड्राइंग। ये एक्चुअल में छोड़ा क्यों जाता है, ये हम मार्जिन छोड़ते क्यों हैं? मार्जिन इसलिए छोड़ते हैं कि जब हम ड्राइंग बनाएंगे तो यहाँ पर बेटा टेपिंग भी करते हैं, टेप लगाते हैं यहाँ पर, या क्लिप लगाते हो, जो भी है टेप लगाएंगे। अब टेप अगर आपने उखाड़ी, यहाँ से इसको हटाया, तो हो सकता है आपकी जो ड्राइंग शीट खराब हो जाए, फट जाए। तो उस केस में अगर ये ड्राइंग के ऊपर होता, सपोज आपने यहाँ ड्राइंग बनाई, यहाँ तक ड्राइंग बना रखी है, ठीक है, और उसके ऊपर आपने टेप चिपका दी, और फिर जब हम इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो आपका ड्राइंग वाला एरिया है वो भी खराब हो जाएगा। दूसरा, इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं, देखो यहाँ से 20 mm इसलिए छोड़ते हैं, तो इंडस्ट्रीज में सबसे जो इंडस्ट्री का जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्टैंडर्ड क्या है, यहाँ पर 20 mm, यहाँ 5 mm, इधर भी 5 mm और इधर भी 5 mm। तो यहाँ पर क्यों करते हैं 20 mm इधर से ज्यादा इंडस्ट्रीज के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो वहाँ पर क्या होता है, इंडस्ट्री में बहुत सारी ड्राइंग्स होती हैं, उनको क्या करते हैं, पिन अप करके रखते हैं, पिन लगा करके उसके अंदर रखते हैं, बुक टाइप सी होती है, पूरी एक टेबल होती है, उसमें वो पिन लगाए रखते हैं, उसमें सारी ड्राइंग्स को ऐसे अटका के रखते हैं। कभी भी कुछ देखना हो ऐसे पलट, जैसे बुक होती है, जैसे अगर मैं बुक की बात करूँ, कोई भी ये बुक है, तो मैंने यहाँ से ये ड्राइंग सारी यहाँ से पिन लगा दिया यहाँ पर। अब मैं जब मुझे कुछ देखना हो तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे पलटता रहूँगा और देख लूंगा। तो इसी तरीके से शीट्स को भी रखा जाता है, पर वो बड़ी शीट्स होती हैं। तो अगर आप यहाँ पिन लगा दोगे और ड्राइंग वहीं पर आपने ड्राइंग बनाई हुई है, तो ड्राइंग एरिया आपका खराब हो जाएगा, क्योंकि
इसलिए हम लोग मार्जिन वगैरह छोड़ते हैं। तो ये थोड़ा लेआउट होता है ड्राइंग का जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो आगे की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बाद हम लोग टाइटल ब्लॉक बनाएंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, टाइटल ब्लॉक और जो अल्फाबेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं हम लोग उनके बारे में, या कुछ शेप्स हैं कुछ जो आपको बनानी होती है, जैसे पेंटागन हुआ। पेंटागन मतलब पंच पंच भुजाकार आकृति जो होती है, षष्ठ भुजाकार आकृति, ये हेक्सागोनल शेप, ये आपको पेंसिल और उसकी सहायता से बनाने पड़ेंगे, प्रकार की सहायता से, या चांदे की सहायता से, मिनी ड्राफ्टर की सहायता से उससे बनाने होंगे, ठीक है। उन शेप्स की बात करेंगे, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इन सब सारी शेप्स की बात करेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों। तो पहले सबसे पहले टाइटल ब्लॉक लेआउट आपको पता चल गया, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। सीट ऐसे लगी होगी, सीट पे ऐसे टेप लगाएंगे आप, ये आपका ड्राइंग एरिया रहेगा और यहाँ पर आपका टाइटल ब्लॉक रहेगा। सबसे पहला काम आपका यही होता है, उसके बाद आप ड्राइंग बनाना स्टार्ट करेंगे, सॉरी, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।